हेलो जी गाइज, राम राम। तो आज आपके साथ मैं इस रेसिपी शेयर कर रही हूँ, घेवर की। जी हाँ, दिवाली आ रही है तो घर पर घेवर बिल्कुल आसान है गाइज बनाना। थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है, थोड़ा सा स्लो प्रोसेसिंग है, लेकिन बहुत ही अच्छा टेस्टी घेवर आप घर पे बना सकते हैं। आप नु कहोगे कि इस मौसम में घेवर, जी हाँ, मार्केट में तो मिलता नहीं, घर पर बना लेना। घी को ताड़ा है और उसमें बर्फ़ डाल के अच्छे से हाथ से बहुत अच्छे से फेंटना है। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो घर पर बिल्कुल आसानी से टेस्टी घेवर बना सकते हो। जी हाँ, ये देखिए, फेंटने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा और इसको लगातार फेंटते ही जाना है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसको फेंट लिया। अब इसमें क्या करेंगे, ऐड मैदा। जी हाँ, आपको पता ही है घेवर बनता है मैदे से। और इसको ना बस थोड़ा हाथ का इस चीज़ का ध्यान देना है कि इसको एक ही दिशा में फेंटते रहना है, गुठलियाँ ना हो, इसीलिए इसको धीरे धीरे हम मिलाएंगे। और 2 चम्मच के लगभग इसमें मैं बेसन ऐड कर रही हूँ। जी हाँ, अगर आप घेवर को कुरकुरा बनाना चाहते हो बिल्कुल, तो आप थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। जी हाँ, इसमें थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ही, लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल अच्छे से फेंट लोगे ना, तो आपका घेवर बहुत ही टेस्टी, सुपर टेस्टी बनेगा। जी हाँ, हल्का हल्का पानी डाल के बैटर को इतना तैयार करना है। पहले ज़्यादा पानी डालोगे तो गुठलियाँ पड़ जाएंगी, लेकिन अगर आप धीरे धीरे इसको हाथों से मिलाते जाएंगे और मैश करते जाएंगे तो गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगी और आपका जो घेवर का बैटर है वो बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा। तो लगभग आधी कटोरी पानी और थोड़ा सा मेरा दूध लगा है इसमें और बिल्कुल अच्छा बैटर मैंने तैयार कर लिया है। जी हाँ, मैंने सावन महीने में घेवर बनाया था। जो लोग मुझसे जुड़े हैं, मैंने शायद एक बार लाइव में शेयर भी किया था, लेकिन ब्लॉग शेयर नहीं कर पाई, तो मैंने सोचा चलो घेवर की रेसिपी तो शेयर कर ही दूं आप लोगों के साथ, तो तभी मैंने ये रिकॉर्ड कर ली थी। अब इसको हम छलनी से छान लेंगे ताकि जो कोई गुठलियाँ वगैरह छोटी मोटी गांठ रह गई है मैदे की, बेसन की, वो मिक्स हो जाएगी और अच्छे से आपका स्मूथ बैटर रेडी हो जाएगा। जी हाँ, इस तरीके से अगर आप घेवर बनाओगे तो सुपर टेस्टी बनेगा। यहाँ पर हम मलाई वाला घेवर बना रहे हैं, तो यहाँ मैंने 2 गिलास के लगभग, मतलब आधी किलो दूध लिया है और इसमें इलायची डाल दी। मावा बनने में टाइम लगता है, तब तक हम चाशनी भी बना लेंगे। आपको पता ही है मावा बिल्कुल स्लो बनता है, पहले तो इसको चलाना पड़ता है, खूब नज़र हटी तो दूध जल जाएगा, तो इसको साथ में चलाते रहें। एक साइड मैंने 2 कटोरी चीनी और आधा कटोरी पानी लेकर चाशनी रख दी है और लगातार इसको हम चलाते हुए मावा निकाल लेंगे। थोड़ा सा मैंने बताया लंबा प्रोसेस है, लेकिन जो रिजल्ट आने वाला, जो घेवर बनने वाला है वो सुपर टेस्टी होगा। और यहाँ पर मैंने देसी घी ले लिया है एक छोटे से पतीले में। जी हाँ, अगर आपके पास घेवर बनाने का वो गोल सर्कल है तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं था तो मैंने सोचा ये छोटा सा पतीला इसमें ही बना, बहुत ही अच्छा, मतलब जिस साइज़ का आप घेवर निकालना चाहते हो। तो एक बीच में मैं बेलन से जगह बना रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, ये वीडियो थोड़ी फास्ट कर रखी है मैंने, अंदाज़ा आप लगा सकते हो। एक साइड मेरी रबड़ी बन गई है, तैयार भी हो गई है, ज़्यादा मावा नहीं निकालना, रबड़ी ही बनानी है। और बिल्कुल बूंद बूंद करके जो ये हम घेवर डाल रहे हैं देसी घी में, जी हाँ, देसी घी का ही टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। चाहे तो आप वैसे भी बना सकते हो दूसरे घी में, लेकिन जो मज़ा देसी घी में है वो कहीं नहीं है। तो साइड में मेरी रबड़ी तैयार हो गई है, मैंने गैस बंद कर दिया है और इसको निकाल लिया है एक बर्तन में। साथ के साथ जो बिल्कुल स्लो प्रोसेस रहेगा, गैस बिल्कुल मीडियम टू स्लो टू मीडियम ऐसे ही रखनी है आपको, घेवर बनाते टाइम बिल्कुल सिम पे कर देनी है। फिर बीच में वैसे बिल्कुल पहला 1-2 बैच मेरा, सच बताऊं, अच्छा नहीं निकला, लेकिन क्योंकि बिल्कुल पहली बार मैंने घेवर बना था गाइस, ज़िंदगी में पहली बार, और बाद में इतना अच्छा बनाना आप लोगों के साथ, इसीलिए मेरा मन कर रहा था कि इतना आसान है घेवर बनाना तो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी क्यों ना शेयर करूं। आज ये मैं सारी वीडियो पुरानी डिलीट कर रही थी तो मेरे सामने ये आ गई थी भैया, तो ये देखिए कितना अच्छा जालीदार घेवर हमारा बन के निकला, बिल्कुल कुरकुरा कुरकुरा है। और इसमें जब हम चाशनी डालेंगे तो बिल्कुल
जूसी जूसी हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने सारे घेवर अपने निकाल लिए थे। सच बताऊं ये जो बबल्स जितने ऊपर तक उठेंगे ना उतना ही आपका जो घेवर है बहुत ही अच्छा बनेगा। थोड़ा सा ध्यान रखना है अगर आप पहली बार बना रहे हो तो थोड़ा निकालते टाइम, क्योंकि ये क्रंची होता है, टूटने का डर रहता है। लेकिन इसको कच्चे को अगर आप उठाओगे तो ये निकलेगा नहीं, लेकिन अच्छे से पक जाने के बाद अपने आप किनारियाँ छोड़ देगा, फिर इसको आप इजीली निकाल सकते हो। जी हाँ, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। और यहाँ पर हमारी ये जो चाशनी है जिसमें मैंने इलायची डाली थी, चीनी डाली थी अच्छा फ्लेवर के लिए, और रबड़ी भी तैयार है। तो जाली के ऊपर रख के हम इसमें चाशनी डालेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा चाशनी होगी वो नीचे जाली से निकल जाए और जो ज़्यादा मीठा हमारा घेवर ना बने। बिल्कुल परफेक्ट बना था गाइज। ऊपर से रबड़ी, रबड़ी में भी मैंने मीठा डाला हुआ है, ऊपर से ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं। तो रात के 11-12 बजे तक मैंने ये घेवर बनाया था उस दिन। खैर, आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। बहुत ही टेस्टी बना था सच में, आप भी ज़रूर ट्राई करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पे नए हो, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है जी। ओके, बाय बाय, राम राम, जय माता की।